मैं ज़ुलफी सुल्ताना और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ लॉकडाउन नाइट कर्फ्यू उसके रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स ये रहे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने एक नोटिफिकेशन जारी की है इस नोटिफिकेशन के जरिए ऑर्डर जारी किए गए हैं जिसे चीफ कमिश्नर बीबीएमपी के पुलिस कमिश्नर डेप्यूटी कमिश्नर सुपरिनटेंडेंट्स ऑफ पुलिस और डिपार्टमेंट के हेड्स और अथॉरिटी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे ये ऑर्डर्स फाइव वन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू यानी कल से लेके नाइनटीन वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू सुबह पांच बजे तक फोर्स में रहेंगे तो चलिए जानते हैं गाइडलाइंस क्या इशू किए गए हैं इस नोटिफिकेशन के जरिए इस नोटिफिकेशन के जरिए रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक स्टेट में रोजाना नाइट कर्फ्यू कंटिन्यू रहेगी ऑफिस मंडे टू फ्राइडे के दरमियान फंक्शन होंगे गवर्नमेंट सेक्रेट्रियट 50 परसेंट वर्किंग स्ट्रेंथ के साथ काम करेगी जिसके ऑफिशियल्स जो हैं उनके रैंक बिलो दी अंडर सेक्रेटरी होगी फ्राइडे की रात 10 बजे से आ, मंडे की सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू होगी एज पर दी गाइडलाइंस वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट साथ ही साथ बी जो है वो ऑपरेशन में होगी और ऑर्गेनाइजेशन uh, के चीफ के एग्जीक्यूटिव जो होते हैं इसके डायरेक्शन देंगे ताकि वो ऑपरेट हो सके बेंगलोर अर्बन डिस्ट्रिक्ट में तमाम स्कूल्स कॉलेजेस बंद होंगी जो कि सिक्स वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू से इफेक्ट में होंगी लेकिन पैरामेडिकल्स मेडिकल और क्लासेस टेंथ इलेवेंथ और ट्वेल्थ को ओपन रहेगी मतलब टेंथ अलेवेंथ और ट्वेल्थ की ग्रेड्स की क्लासेस को ऑफलाइन क्लासेस रहेंगी पब्स क्लब्स रेस्टोरेंट्स बार होटल्स और खाने के सिमिलर प्लेसेस में फिफ्टी परसेंट सीटिंग कैपेसिटी के साथ ऑपरेट होगी सिनेमा हॉल्स मल्टीप्लेक्सेस थिएटर्स रंग मंदिर ऑडिटोरियम और ऐसे ही सिमिलर जगहों में फिफ्टी परसेंट सीटिंग कैपेसिटी होंगी मैरिज फंक्शन हॉल जो कि दो तरह की होती है एक ओपन स्पेसेस दो क्लोज स्पेसेस ओपन स्पेसेस में टू हंड्रेड लोगों से ज्यादा अलाउ नहीं किए जाएंगे और वहीं क्लोज प्लेसेस में आ, सिर्फ हंड्रेड लोग अलाउ किए जाएंगे और कोविड नाइन्टीन के अप्रोप्रियट बिहेवियर को स्ट्रिक्टली अध्ययर करना होगा रिलीजियस जगह जो है वो सिर्फ दर्शन के लिए खुली होगी इसमें सेवा अलाउ नहीं किए जाएंगे जिन लोगों की फुल वैक्सीनेशन यानी दोनों डोजेस हो चुके हो वही उन लोगों को अलाउ किया जाएगा लेकिन सिर्फ फिफ्टी लोगों को ही मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और ऑल स्टैंड अलोन शॉप्स और इस्टेबलिशमेंट्स में कोई फर्क नहीं है आ, ये खुली रहेंगी वीकडेज में भी एज यूजल स्विमिंग uh, पूल्स और जिम्स में फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी के साथ ऑपरेशन में होंगी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस और स्टेडिया जो है वो फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी के साथ फंक्शन करेंगी रैलीस धरना जो है और प्रोटेस्ट भी जो है वो प्रोहिबिट किए गए हैं केरला और महाराष्ट्र की बॉर्डर में इंटेंसिव सर्विलेंस की जाएगी ये सर्विलेंस कर्नाटका की सरकार से इशू किए गए सर्कुलर uh, यानी गाइडलाइंस जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से इशू किए गए हैं वही प्रिवेल होंगी तो जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि ओमिक्रोन नए वेरिएंट पाने की वजह से यानी कोविड नाइन्टीन की ओमिक्रोन वेरिएंट की वजह से ये नई गाइडलाइंस को इश्यू किए गए हैं तो मैं गुजारिश करती हूँ कि आप अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी आवाज़ दिस इज रूल्फी सुल्ताना